नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल चैनल में जिसका नाम है न्यूज पॉलिटिक्स एंड टेक। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ फोर्ड इकोस्पोर्ट एस डीजल यानी कि सिग्नेचर डीजल वर्सेस मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा ZDI प्लस AGS वेरिएंट के कंपैरिजन के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इनके स्पेसिफिकेशन से और फिर हम बात करेंगे इनके फीचर्स से और फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे इनके कलर्स के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इनके इंजन और ट्रांसमिशन से। तो यहाँ पे आपको इसमें दोनों में इंजन टाइप जो मिलता है वो है फोर्ड इकोस्पोर्ट में 1.5 लीटर का DV5 डीजल इंजन। अगर आप चाहें तो इसमें पेट्रोल वेरिएंट ऑप्ट कर सकते हैं। वेयर एज विटारा ब्रेजा में आपको मिलता है DDIS 200 इंजन जिसमें पेट्रोल वेरिएंट कोई भी अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट सीसी जो है वो फोर्ड इकोस्पोर्ट का आपको मिलता है 1500 सीसी और विटारा ब्रेजा का मिलता है 1250 सीसी। यहाँ पे मैक्स पावर जो है वो इकोस्पोर्ट का आपको मिल जाता है 99 bhp, मैक्स टॉर्क मिलता है 205 न्यूटन मीटर और वहीं आपको विटारा ब्रेजा में 89 bhp का मैक्स पावर मिलता है और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। यहाँ पे माइलेज जो है वो दोनों गाड़ियां ऑलमोस्ट सेम देती है यानी कि 24 किलोमीटर पर लीटर का। साथ ही साथ नंबर ऑफ गियर जो है वो फोर्ड इकोस्पोर्ट में 6 दिए गए हैं और ट्रांसमिशन टाइप यहाँ पे मैनुअल है। अगर आप चाहें तो इसको ऑटोमेटिक भी इसमें ले सकते हैं। वेयर एज अगर हम बात करें विटारा ब्रेजा के बारे में तो यहाँ पे आपको 5 गियर इसमें मिल जाते हैं और ट्रांसमिशन टाइप इसका ऑटोमेटिक है। अगर आप चाहें तो इसमें मैनुअल वेरिएंट भी ले सकते हैं। सो ड्राइवर टेरियन जो है वो दोनों ही गाड़ियों का फ्रंट व्हील ड्राइव है और ब्रेक एंड स्टीयरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रंट ब्रेक टाइप और रियर ब्रेक टाइप दोनों ही गाड़ियों में डिस्क एंड ड्रम मिलता है। मिनिमम टर्निंग रेडियस जो है वो फोर्ड इकोस्पोर्ट में 5.3 मीटर्स मिलता है और विटारा ब्रेजा में 5.2 मीटर्स। तो अब हम बात करते हैं व्हील्स एंड टायर्स के बारे में। तो यहाँ पे व्हील जो है वो आपको दोनों ही गाड़ियों में अलॉय व्हील्स मिलते हैं क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट्स हैं। सो यहाँ पे स्पेयर व्हील जो है वो आपको स्टील का मिल जाता है। सो यहाँ पे अगर हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीटिंग जो है वो है 5 सीटर और यहाँ पे आपको बूट स्पेस जो है वो फोर्ड इकोस्पोर्ट में मिलती है 352 लीटर्स की और फ्यूल टैंक कैपेसिटी 52 लीटर्स की। सो यहाँ पे आपको विटारा ब्रेजा में 320 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी 48 लीटर्स की। सो कर्व वेट जो है वो दोनों गाड़ियों का काफी डिफरेंस है, जैसे कि फोर्ड इकोस्पोर्ट में आपको मिलता है 1304 केजीज और विटारा ब्रेजा में 1195 केजीज। सो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो फोर्ड इकोस्पोर्ट का 200 mm है और विटारा ब्रेजा का 198 mm। सो दोस्तों ये तो था इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कुछ फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स जैसे कि एयर बैग्स हैं वो आपको फोर्ड इकोस्पोर्ट में मिल जाते हैं 6 और वेयर एज आपको विटारा ब्रेजा में चाहे आप टॉप एंड वेरिएंट ले चाहे बेस वेरिएंट ले आपको मिलते हैं सिर्फ 2, वो भी ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। यहाँ पे आपको फोर्ड इकोस्पोर्ट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, चाइल्ड सीट एंगर पॉइंट्स मिल जाते हैं और सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाती है। वेयर एज मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा में आपको सिर्फ सीट बेल्ट वार्निंग मिलती है और ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन में फोर्ड इकोस्पोर्ट में आपको मिल जाता है ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम यानी कि ESP और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। वेयर एज अगर हम विटारा ब्रेजा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको उसमें मिलता है ABS, EBD और ब्रेक असिस्ट पर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम यानी कि ESP और TCS यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम नहीं मिलता फोर्ड इकोस्पोर्ट की तरह। सो लॉक्स एंड सिक्योरिटी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इंजन इमोबिलाइजर दोनों में मिलता है, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक मिल जाता है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिल जाता है और जो सेंट्रल लॉकिंग है वो फोर्ड इकोस्पोर्ट में कीलेस से ऑपरेट होती है और विटारा ब्रेजा में रिमोट से। यहाँ पे कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे AC जो है वो दोनों में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, 12 वोल्ट पावर आउटलेट्स दिए गए जो कि फ्रंट एंड रियर के लिए है और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट जो है वो ड्राइवर्स के लिए टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दिया गया है इकोस्पोर्ट में पर विटारा ब्रेजा में सिर्फ टिल्ट दिया गया है। यहाँ पे आपको कीलेस स्टार्ट और बटन स्टार्ट दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, पार्किंग सेंसर जो है वो रियर के लिए मिल जाते हैं और पार्किंग असिस्ट रिवर्स कैमरा आपको मिल जाता है। यहाँ पे सीट्स एंड अपोजिशन की हम बात करें तो यहाँ पे आपको सीट का मटेरियल जो है वो दोनों ही गाड़ियों में फैब्रिक मिलता है और यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब को लेदर रैप किया गया है इकोस्पोर्ट में, वेयर एज विटारा ब्रेजा में ये नहीं किया गया है। सो इंटीरियर जो है वो यहाँ पे आपको फोर्ड इकोस्पोर्ट में ड्यूअल टोन मिलते हैं जो कि है ब्लैक एंड ग्रे और वेयर एज आपको ब्रेजा में मिलते हैं सिंगल टोन जो कि है सिर्फ ब्लैक। दोस्तों अगर हम एक्सटीरियर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सनरूफ मूनरूफ जो है वो आपको फोर्ड इकोस्पोर्ट के सिग्नेचर वेरिएंट में मिल जाता है चाहे आप डीजल लें और चाहे आप उसमें पेट्रोल लें, वेयर एज आपको विटारा ब्रेजा के कोई भी वेरिएंट में सनरूफ मूनरूफ नहीं मिलता। यहाँ पे रूफ रेल्स, रूफ माउंटेड एंटीना और बॉडी कलर्ड बम्पर आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। सो अब हम बात करते हैं इन दोनों के मेन फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले स्क्रीन जो मिल जाती है वो है टच स्क्रीन डिस्प्ले जिसमें कि आपको GPS नेविगेशन मिल जाता है, USB कनेक्टिविटी
कनेक्टिविटी मिल जाती है, ऑक्स कनेक्टिविटी मिलती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है जो कि फोन एंड ऑडियो से आप स्ट्रीमिंग इसमें कर सकते हैं, MP3 प्लेबैक मिलता है, CD प्लेयर मिलता है, DVD प्लेबैक मिलता है, FM/AM रेडियो मिल जाता है, एप्पल कार प्ले मिलता है, स्टीयरिंग मॉडल कंट्रोल्स मिलते हैं और वॉइस कमांड फीचर मिल जाता है। तो स्पीकर जो है वो इकोस्पोर्ट में 4 दिए गए हैं और विटार बेजा में 6। तो यहाँ पे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग वारंटी की बात करें तो यहाँ पे फोर्ड आपको इकोस्पोर्ट के सारे ही वेरिएंट्स के लिए 2 साल तक की वारंटी देती है और किलोमीटर्स में 1,00,000 तक की। यहाँ पे मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा के लिए सारे जो वेरिएंट्स है उसके लिए आपको मिलती है 2 साल की वारंटी और किलोमीटर्स में 40,000 तक की। तो दोस्तों ये तो था इसके स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में। तो अब हम बात करते हैं इनके कलर्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको फोर्ड इकोस्पोर्ट में लाइटनिंग ब्लू मिल जाता है, एब्सोल्यूट ब्लैक मिलता है, स्मोक ग्रे मिलता है, कैनन रिज मिलता है, मून डस्ट सिल्वर है, रेस रेड है और डायमंड व्हाइट मिल जाता है। दोस्तों इनमें सबसे ज्यादा कलर अच्छा लगता है और काफी मेरे ऐसे व्यूअर्स है जो डिमांड करते हैं वो है रेस रेड, जो कि काफी स्पोर्टी और काफी बढ़िया कलर लगता है। और जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है रेस रेड और दूसरा कैनन रेज, क्योंकि कैनन रेज जो है वो काफी डिफरेंट और काफी अलग दिखाई देता है रेस रेड की तरह। वहीं अगर हम बात करें विटार ब्रेजा के बारे में तो यहाँ पे आपको ग्रेनाइट ग्रे, ऑटम ऑरेंज, प्रीमियम सिल्वर, ब्लेजिंग रेड और फायरी येलो मिल जाता है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा कलर मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है ऑटम ऑरेंज और या फिर ब्लेजिंग रेड, बिकॉज ऑटम ऑरेंज जो है वो कुछ कुछ कैनन रेज जैसा दिखता है फोर्ड इकोस्पोर्ट के कलर की तरह, तो आप चाहें तो वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। वेरैज अगर इसका जो सबसे टॉप एंड वेरिएंट है विटारा ब्रेजा का जो कि ड्यूअल टोन है, उसमें आपको 3 कलर के ऑप्शन मिलते हैं जो कि है ऑटम ऑरेंज प्लस पर्ल आर्कटिक व्हाइट रूफ, और दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है ब्लेजिंग रेड प्लस मिडनाइट ब्लैक रूफ, और थर्ड होता है फायरी रेड प्लस पर्ल आर्कटिक व्हाइट रूफ। दोस्तों अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आप चाहते कि आपको ड्यूअल टोन चाहिए तो आप ड्यूअल टोन में भी ले सकते हैं। दोस्तों मैं जो है वो इसमें से आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फोर्ड इकोस्पोर्ट ही ट्राई करें, बिकॉज इसका बिल्ड क्वालिटी और इसमें काफी सारे फीचर्स ऐसे जो है जो विटारा ब्रेजा को कम्प्लीटली बीट करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, स्टे अमेज्ड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।